ये मेरा हाथ देख रहे हैं भैया, ये है भारत। ये सारी उंगलियां ये भारत के लोग हैं, इनको एक साथ रहना है, एकजुट मुट्ठी की तरह। अब ये मुट्ठी खोलता हूँ मैं भैया, अब देखिए ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ नहीं है, ये यूनियन ऑफ फिंगर्स है। हेलो बीबीसी वाले भैया, तेरा ध्यान किधर है, आपका दोस्त इधर है। ये मेरी उंगलियां देखिए, ये अंगूठा फर्स्ट फिंगर नहीं बन सकता और सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर नहीं बन सकता, और जब ये जुड़ जाते हैं ना भैया तो डेंजरस घूसा बन जाता है, तो इनका अलग अलग रहना ही ठीक है भैया। यही यूनियन ऑफ डिवाइडेड फिंगर्स ही मेरी पार्टी का निशान भी है भैया। जिसका नामो निशान मिटने वाला है। भाइयों भारत को एकजुट करना है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, भारत हमारा देश, इसको हमें जोड़ना है भैया। ऐसा इंडिया, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स। जब यहाँ से यूनियन जैक गया 1947 में तो सारे राज्यों को हमने जोड़ा, तो दरअसल इंडिया देश ही नहीं है, यूनियन ऑफ डिवाइडेड स्टेट्स है, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है वैसे ही। मुझे लगता है आप लोगों को एक बार फिर आना होगा, इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए भैया। ओए केड़ी बातें कर रहे हो तुसी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मेनू तो लगता है कि तुसी इंसान नहीं यूनियन ऑफ ऑर्गन्स हो, और उस यूनियन ऑफ ऑर्गन्स में से सबसे जरूरी पार्ट मिसिंग है तुम्हारा। एंता तेल बनाड़ी, ए कितना ईविल है, घर में भारत जोड़ने का ड्रामा, बार भारत तोड़ने की साजिश। तो अब इस बंदे की सच्चाई पता चली, ये तो अपने स्वार्थ के लिए भारत को खंडित करके छोड़ेगा, इसके चेहरे पे मत जाओ दोस्तों, इसकी असलियत पहचानो।